हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा फतेह। संगत जी, आज गुरु अमरदास जी का ज्योति ज्योति दिवस है। कोटान कोटान प्रणाम गुरु अमरदास जी को। वाहेगुरु जी, जदों गुरु अमरदास जी ने गुरता गद्दी ते गुरु अंगद साहब जी ने सुभायमान कर दिता, उस वेले तो गुरु अंगद देव जी दे पुत्र दासू ते दातू जी ईरखा करन लगे, जिस कारण गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहब पक्के तौर ते रहन लगे। जिन्ना चिर गुरु अंगद देव जी का शरीर रहा, हर रोज गुरु अंगद देव जी दे दर्शन करन आंदे ते दर्शन करके वापस चले जाते। सो उम्र भावें गुरु अमरदास जी की 43 या 44 वर्ष की हो गई सी, वाहिगुरु जी 83 या 84 वर्ष की हो गई सी, क्योंकि 71 साल की उम्र विच सेवा आरंभी सी, 12 साल जल दियां कागरां टोलियां ते सेवा कीती। शरीर दे बुढ़ापे का ख्याल न रखते हुए बुढ़ापे विच भी अपने नियम की पालना कर रहे हैं। 1.5 पैर रात रही उठ के इशनान करना, गुरसिख संगतां नूं भी यही हुक्म किया सी कि रात पै रही तो कोई आसन ते सुता नहीं होना चाहिए। सारे उठ के नाम जपते, फिर ब्यास दे जल नाल आप जी इशनान करया करते सन। जैसा इतिहास विच भाई संतोख जी लिखते हैं, ब्यासा तो जल लियाउण की सेवा भाई मल्लू करया करता सी। सोच किरिया साध के इशनान करके फिर निजा आनंद विच सतगुरु जुड़ जाते। ओ फुटाले तक सतगुरु जी रहते, ओ फुट्टी तो सफेद पोशाक पहन के सिंघासन ते आप विराजते, ते फिर भाई साधु ते पादू कीर्तन करते। कीर्तन सुनन तो उपरांत सिखां नूं कल्याणकारी उपदेश बख्शते। अजिहा गुरु साहिब का नित दा करम सी। भगती करन वाले रब दे प्रेमी साधुआं संतां नाल बहुत प्रेम रखते, परमात्मा दे वचन सुनते सुनाउंदे रहते। मायादारी संसारी वृत्ति वाले लोग वल रुख नहीं सी करते। लंगर की तरतीब ऐसी बनाई अते हुक्म दे रखा सी कि जिसने दर्शन करने हन वो पहला लंगर तो प्रशादा छके। भाई भावे बादशाह कि क्यों ना होवे, पहला लंगरों प्रशाद छके फिर गुरु जी की हजूरी विच आउंदे। इस तरह दोपहर तक दरबार रखते, दोपहर नु थोड़ा जा आराम करते। दिन दे चौथे पैर एक पंडित बड़े प्रेम नाल कथा सुनाया करता सी, क्योंकि उसके मन च गुरु जी वास्ते बहुत श्रद्धा सी ते कामना सी कि मैं गुरु जी दी हजूरी च कथा करा। उसकी कामना पूरी करन वास्ते उस तो कथा सुनते। ओदा नाम केशव गोपाल सी, जात दा भावे कोई भी सी पर गुरु दा सिख सी। फिर सतगुरां ने सोधर दी बाणी ते कुछ कीर्तन करना, कथा कीर्तन करदिया रात दा पहला पैर बतीत कर दे, फिर सोन दी आज्ञा सारी संगत को होंगी। इनित दा व्यवहार सी, आप जी चिट्टे वस्त्रा नाल बहुत प्यार करते। त्याग बेती इहो जी रखी कि जितनी लोड़ है उतने वस्त्र कोल दिते और गरीबां नूं दे दिंदे। अनाज भी उतना ही रखते जितना नित लंगर भी पक जाए। अगले दिन तक एक मनुख जोगा भी नहीं रखते सन। नित नवीन पदार्थ आउंदा ते पकता, और पदार्थां दी गिनती तां की है, पानी दे भरो ही कलश पूजे करवा दिंदे। संतोहनुआं ते गड्डियां दे गड्डे कतार बन के खड़े रहंदे, जिस दीवारी आउंदी उस दे गड्डे विचों रसद लोड़ अनुसार ले जांदे। गुरु नानक अते गुरु अंगद साहिब जी वले दी संगत सारी गोइंदवाल आउन लगी, इस लई गोइंदवाल साहिब बहुत पीर रहन लगे। दूसरे पेखां ते महात्मा भी बहुत आउंदे अते कई कई दिन ठहरते सन। सन 1612 बिक्रमी नूं माघ दा महीना चल रिहा सी। भाई बल्लू ने बेनती की इस सिख गुरु जी दी हजूरी टहल रिहा करदा सी कि महाराज रिहायश तो बिना संगत बहुत औखी होंदी है, इस दे लई लकड़ी दा प्रबंध होना चाहिदा है। इस सुन के गुरु जी ने अपने भतीजे सावण मल नूं हुक्म दिता कि तू हरिपुर कांगड़े वल जा के लकड़ी दे बेड़े वडवा के भेज। उसने बेनती की, महाराज पहाड़ी लोग बड़े चुस्त अते चलाक सन, ते पैसे जां शक्ति दे दास सन। तां सतगुरां ने अपने हथ दा रुमाल दिता अते वचन किया कि करामात तू तमाशा नहीं बनाऊंगा, अपनी होमे नूं नहीं भरा के जो अपनी पूजा नूं वधाउण वास्ते
करामात दिखाता है वो परमात्मा की दरगाह देनदार होता है। बाकी गुरु नानक की शक्ति इस रुमाल द्वारा तैनू देंदे हाँ, कोई भी कारज नहीं अटकेगा, भावे इस नाल मरिया व्यक्ति भी जिंदा कर दे कर लवे। उस दिन माता ने आके बेनती की कि महाराज पहाड़ा भी तो जादू टूणिया वाले ते डायना रहिंदियां हन, मेरे पुत्र नू कदों छड्डन के। महाराज ने कहा तेरे पुत्र दा गुरु राखा है, तू फिक्र ना कर, ये सारिया नू जित लवेगा ते पहाड़ा दा फिर सदावेगा। इस सुन के माता नू तीरज आया, यूं सावण मल पंज सिखा समेत कांगड़े दे जिले विच हरिपुर जा रहा। हरिपुर वाला राजा वैरागी फकीरां दा सेवक सी, अपनी प्रजा तो एकादशी का व्रत रखवांदा सी। व्रत वाले दिन किसे दे घर अग नहीं बलदी सी, व्रत वाले दिन मेरा हार रखा जाता। उस दिन भाई सावण मल ने लंगर चला दिता, धुआं देख के कोतवाल आया, कई गरीब अते जो लोग लंगर छक रहे सन सारिया नु पकड़ के राजे पास लै गया। राजे ने पूछा तुसी मेरे राज एकादशी का व्रत नेम करण जी थारा अन्न क्यों खादा है। सावण मल ने आख्या कि ए सारे भगत इस बारे भगत कबीर जी का कथन है, छोटे अन्न करे पाखंड ना ओ सुहागण ना ओ रंड। गुरु नानक साहब जी का इस बारे एक कथन है, खाना पीना पवित्र है दितों ने रिस्क संभा है। तुसी तो 15 दिन बाद एकादशी का व्रत रखते हो, असि तो हर रोज ही व्रत रखते हाँ, तुहानू भी यही व्रत रखना चाहिए है। राजे दे गुरु वैरागी ने कहा कि केड़ा वर्त है तुहाडा, अन्न तो बिना हो केड़ा वर्त है, जे अन्न नहीं खा लिया तो वर्त की है। वर्त तो होंदा ही ओ जिदे विच अन्न दा अन्न ना खादा जाए। तां गुरु दे सिख सावण मल ने कहा कि अन्न छड़न वाला वर्त केवल दिखावे दा वर्त है, वैदिक दे पक तो भावे कोई शरीरी लाभ होवे पर इसका कोई आत्मिक लाभ नहीं। जो गुरु नानक ने सानू वर्त रखाया है इसके आत्मिक ते शरीरिक दो में लाभ है। तो उन्होंने पूछा दसो की लाभ है तुहाडे वर्त का। तो सावण मल जी ने कहा कि सानू गुरु साहिब ने सत संतोख आदि दे वर्त दिते हन, जिन्हां दे दो में लाभ हैं आत्मक भी ते शरीरक भी। ये वर्त तुसे भी रखो, वो सिक्ख्या भी देंदे हन। ये गल्लां सुन के राजे दे गुरु वैरागी ने राजे नु कह के सावण मल ते और सिखा नु कैद कर दिता। दो द्वादश वाले दिन राजे ने व्रत खोलिया तो राजे दा इको एक पुत्र एकादश वाले दिन दा भुखा होण करके अपने द्वादश वाले दिन बहुत खा गया, जिस कारण बदहजमी होण करके उसकी तुरंत मौत हो गई। राजा परचा सब रोगों पिटन लगे। एक नकोदर नाम करके ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा जो जिसमें वो गुरु दे प्रताप को जानता सी, उसने राजे ने कहा कि बिना कारण सिखा नु कैद कर रखा है, जिस करके परमात्मा दी तेरे ते क्रोध भी हो गई है अते तेरा पुत्र मर गया। राजे ने उसे मेरे सिखा नु कैद चो अपने कोल बुलाया ते माफी मंगी। रानी ते राजे ने रो रो के बेनतियां कीतियां कि सानू बख्श दे। सावन मल जी ने कहा कि जे तुसी गुरु दे सिख होना कबूल कर लवो तां तुहाडा पुत्र जिंदा हो सकता है। राजे ने कहा कि मैं अपनी प्रजा समेत सिखी धारण करने लिए तैयार हाँ जे मेरा पुत्र जिंदा हो जावे। सावण मल जी ने जप जी साहब जी का पाठ करके उस जल विच जो पाठ करने वेले कोल रखा सी रुमाल दा एक लड़ प्यो के बच्चे दे मुंह विच पा दिता, जिस ते बच्चा जी उठा। राजा इतना भावुक हो गया कि उसे वेले वैरागियां दी कंठी तोड़ के सुट दिती ते गुरु दा सिख बन गया, हाथ जोड़ के सेवा टहल मंगी। तां सावण मल ने लकड़ा वाली गल गई ते गुरु के स्थान ते लकड़ा चाहिदियां हन। तां राजे ने तुरंत साग वान ते आ साग वड्डे वड्डे दरखत कटवा के उन्हां दे तुल्ले बना के बेड़ियां ते लदवा के ब्यासा विच गोइंदवाल नु भेजने शुरू कर दिते, जिस करके गोइंदवाल साहिब विच मकान बने, सरावां बनियां, सिखां दे रहण लई सहूलतां पैदा होईयां, जिस थां ते सिख संगतां देसों परदेसों आ के सुख आनंद लैंदियां। गुरु साहिब की शक्ति नाल सावण मल ने सारे भारी अपने सेवक बना ले, आप उन्हां दा गुरु बन बैठा। हमें ने गुरमत सिद्धांत सिद्धांत तो दूर कर दिता।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਛਲ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੜ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਤੇ ਕੋਲ ਆਪ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਚਰਨ ਪੜ। 1613 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਮਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਣ ਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ। 1614 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਧੀਰਜਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਗੂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦਾਤੂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਪੀਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਹੋਇਓ ਕਿ ਜੋ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਤੁਲਸਾ ਦੋ ਪੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੌਲਤਮੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ। ਹੰਕਾਰ ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਥ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਮਤ 1615 ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਵਾਜਾ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਤ ਨਾਥ ਵਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਆਮ ਦਾਸ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮੰਨੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ। 1616 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। 1617 ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਈਰਖਾ ਦੁਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 1616 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1622 ਬਿਕਰਮੈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਸ ਲੰਘ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। 1624 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜੀਦ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਬਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ 100-100, 50-50 ਭੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ
कि जो कतरियां आद दे विया होन उते मैनू 5 रुपए मिलन। ए हुक्म लैके जदों बीरबल अपना टुकावा कर पी कुकरांदा होया 1626 बिकनी विच होर समेत बिलोचिस्तान की चढ़ाई ते जा रहा सी तां गोइंदवाल आया ते गुरु पासों को टुकावा भीख मंगया। तां गुरु जी ने कहा कि गुरु नानक की कृपा नाल दंड तां असीं जम्मां नूं नहीं देना, तानू तां की देना है, परंतु प्रशादा लंगर तां तैयार है भावें कोई भी खावे। बीरबल ने अहंकार चाक के कहा कि सारी फौज नूं खवाओगे? तां गुरु जी ने कहा अकाल पुरख की इच्छा है, बहुत सारी बैठ गई, बरकत इतनी पई कि सारिया ने तृप्त करवा के लंगर बच गया। फिर निंदक खत्रिया ने बीरबल ने चुप दिता कि इन्हों के पास रसायन है। उन्होंने कहे बीरबल ने गुरु जी तो रसायन मंगया तो गुरु जी ने वचन किया कि यह रसायन सानू सतगुरां ने बख्शा है, सच दी रसायन है साडे कोल। बीरबल नूं सबर ना आया, जोर जड़ा के कहने लगा कि मैं कल आके तुहाडी खबर लवांगा। उधर रात नूं भी बादशाह दा सख्त हुक्म आ गया मुहिम ते जाण दा। बीरबल उसे वेले तुर गया। अगली लड़ाई च ऐसा जख्मी होया कि मुड़ के गुरु ते चढ़ाई करन जोगा ना रहा। आखिर 1643 त्रिकमी संमति सिंध मुलक दी जंग विच पखर सहर पास यूसुफ जई पठाना दे हाथों मारिया गया। गुरु घर की प्रत्यक्ष शक्ति ने लोगों से बड़ा प्रभाव पाया ते जदों गुरु जी का ज्योति जो समान का समान नेड़े आया तो आपने सिखा पुत्रां दी चंगी तरह परख कीती, जिन्हां आप दे दो जवाई भी सन। एक दिन गुरु अमरदास जी इशनान कर रहे सन। बीबी भानी जी की सेवा तो अति प्रसन्न होके रोण हार दसन लगे। कह लगे कि पुत्र तेरा पति साडा दामाद रामदास संसार तो विदा होने वाला है, दस पुत्री फिर तू की करेंगी? पाणा मनेगी जा लोकां दी तरह रोना पिटना मनेगी? उदो आप जी उम्र 100 वर्या तो उपर लंघ चुकी सी। जदों ये वचन कीता तां बीबी भानी ने हाथ जोड़ के कहा, पिता जी, संसारी औरतां इहो जी विछोड़े मौके तार होंदियां हन क्योंकि वो संसारी पिता दियां धीआं होंदियां। मैं एक रब्बी नूर गुरु परमेश्वर दी धी हाँ, इसलिए मैं रो के यही नहीं जावांगी कि भाई क्यों मैनू तेरा पड़ा चंगा नहीं लगता। पिता जी, तुहाडी कृपा नाल तुहाडी धी जवान उम्र विच विधवा होके पाणा मन के वखा देगी, पर तुहाडी सिक्ख्या तो उलट चल के जीना पसंद नहीं करेगी, ताकि लोकी ये ना कहन कि गुरु होरां नूं पाणा मनण दा उपदेश दिंदा सी, परंतु उहनां दे बच्चिआं ने पाणा नहीं मनिया। ये गल सुन के गुरु अमरदास जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहन लगे, पुत्री, मैं तेरे ते बड़ा प्रसन्न हाँ। एक उपाय मैंने सोचा है जिस दे नाल तेरा पति कुछ चिर होर संसार च रह सकता है। बीबी सुन के तां खुश हुई, पर जदों गुरु अमरदास जी ने एक गल कही कि मैं तां हुण बहुत बिरध हो चुका हाँ, मेरी उम्र 6 साल के लगभग बाकी है। वो उम्र तेरे पति अपने प्यारे सेवक रामदास जी ने देख के अपने निज घर विराजन लिए सोच लिया है। मैं नहीं चाहता तेरे वर्गी लायक पुत्री आज्ञाकार सरदावान मेरे शरीर से होंदिया विधवा हो जावे, इसलिए मैं अपनी उम्र का संकल्प तेरा सुहाग कायम रखने लिए किया है। इस सुन के बीबी भानी अजे सुन अवस्था विच पहुंच गई जिथे कोई शब्द की बनतर नहीं बनती। की फैसला करें कि एक पासे पति परमेश्वर ते दूजे पासे पिता गुरु परमेश्वर है, पर ये भी समझती है कि सोहरे घर पति तो बिना जिंदगी बेकार है, पेके घर धी लई माता पिता तो बिना कोई थान नहीं। ना कह सकते कि तुहाडा ससकन जाना ठीक है, अते ना कह सकती है कि तुहाडे मेरे पति नूं उम्र देनी ठीक नहीं है, इसलिए भाणे च रह के चुप रहना ही ठीक समझिया। गुरु अमरदास जी ने चित दी जान करके कहा, बेटी, मैं तेरे हिरदे विचली अवस्था नूं जानदा हाँ, तेरे लिए दोनों शरीरां दा संबंध प्राणा तो प्यारा है, पति भी प्यारा है ते पिता भी प्यारा है, पर हुण भाणे विच यही है कि मेरे शरीर दी उम्र 6 वरे
11 महीने ते 18 दिन बाकी है। ये उम्र मैं अपने सेवक रामदास को अर्पण कर दी। गुरता गति गुरु रामदास जी ने देख के 5 पैसे ते नारियल तार के गुरता गति का जो तो मत्था टेकया ता अपनी रहंदी उम्र का मत्था भी नाल टेक दिता। भाव इत्थे गुरता गति अर्पण की, जिथे गुरता गति अर्पण की उसे अपनी उम्र भी अर्पण कर दी। फिर सारी संगत ने गुरु रामदास जी के पैरी पाया। जो तो जान दिया तैयारियां हो गईया, जैसा कि बाणी विच कथन है, हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर पग पास जियो। आओ जो तो गुरु जी के बाण का समा होया, ये हरि परमेश्वर वाहिगुरु का पाणा गुरु नु पा गया। बाबा सुंदर जी कहते हैं कि गुरु जी हुण हरि प्रभु पास जाणगे। सो अंत वेले गुरु अमरदास जी ने सिखा पुत्रा भाइया ते सारे परिवार नु सद के ये वचन कहे कि मेरे सिख सुनो पुत्र भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभु करे सा पास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभु पाणा पावे आनंद अनहद वजे वाजे। हर आप गल में लावे तुसे पुत पाई परवार मेरा, मन वेखो कर निर्जास जियो। तुर लिख्या परवाना फिर रह नाही, गुर जाए हर पग पास जियो। तत्पुर पाने आपने वह परवार सदाया। श्री सुंदर जी कहते हैं कि इस प्रकार गुरु जी कह के ते अते बैठ गए, सारे ही परिवार ने बोल सद लिया। मत मैं पीछे कोई रो सी, सो मैं मूल न पाया। मित पै जे मित बिकसै, जिस मित की पै ज पावे। तुसी विचार देखो पुत पाई, हर सतगुरु पै नावे। सतगुरु प्रतक हो गए पै राज आप टिकाया, सब सिख बंधव पुत पाई रामदास कै गई पाया। वाहिगुरु फिर उसे मेरे साथी जी ने अपने दोनों पुत्रा ने कहा कि गुरु रामदास ने मत्था टेको, इधरों असी जेठे तो बदल के रामदास अते रामदास तो गुरु रामदास कर दिता है। नाल ए भी क्या कि साडा होर कोई क्रिया कर्म नहीं करना। अते अंत दे बचन कहे, अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। सतगुरु मूर्ख जी बोलिया गुरसिखा मन ली रजाए जियो। मोरी पुत सरमुख होया रामदास है पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुरु के, जिवे गुरु आप रखिया। फिर आपने अनुकूल जो सारे संबंधी सन, जिते श्री गुरु अमरदास जी ने अपनी शक्ति नु रखिया है, उत्ते सारे चौथे पातशाह के चरणी पैन गए। इतने बाबा सुंदर जी ने गुरु जी के वड्डे पुत्र मोहन जी का जिक्र किया है। वो एका वा सुन के गुरु जी के सन्मुख निविया नहीं सी। गुरु जी ने वचन कर दिता सी कि तू ईरखा विच तपता रहेगा। फिर वो आखिरी समय गुरु अमरदास जी को ज्योति जो सम्मान मिली, बिनती करन लगा कि मैं हूं नमस्कार कर दिंदा हाँ। इसलिए सुंदर जी कहते हैं, कोई कर वकीली निवे नहीं। फिर सतगुर आन निवाया, सतगुरा ने मोहन जी के हृदय में प्रेर के जो निवण वाला कर दिता। सतगुरा के भविखत वचन कीते कि जदों इन्हां दे पुत्र गद्दी दे मालक होंगे तां उह बाणी दा खजाना लैण तुहाडे कोल आउंगे। उस समय उन्हां दे चरणी पै के तुहानूं शांति मिलेगी। जे तुसी मेरा वचन मन के उदों वेला संभाल लैंदे तां इह अशांति दा समा आउंदा ही ना। पर भावी अमेट है, वो समा दूर चला गया, इसलिए तुहानू समय दी उड़ीक करनी पवेगी। हर बुरहे पाणा दी वडियाई, तुर लिख्या लेख रजाई जियो। जो परमेश्वर नु पाणा पाया, गुरु जी ने गुरु रामदास जी नु वडियाई दिती, अते ए तुरो ही लेख रजाई वाहिगुरु परमेश्वर लिख्या होया सी। कहे सुंदर सुनो संतो, सब जगत ते पैरी पाए जीव। सारी संगत गुरु जी दे विछोड़े का सदमा सी। उस समय एक होर पुत्त गुर पिया,
गुरु अंगद देव जी के पुत्र जो दातू जी सन, जिन्होंने गुरु अमरदास जी ने सिंघासन से बैठिया लत मार सी, उन्होंने लत हमेशा पीड़ा रही सी, रात दिन बेचैन रही सन, शर्म के मारे नहीं सुनाते। अज जो तो सुना कि गुरु जी परलोक में जा लगे हैं, इस समय मुड़ के नहीं मिलना, इसलिए आज ये मौका है जो तो आपे पुल बख्शाण वास्ते चरणा में हाजिर होए, अचानक चरणा के सिर रखिया तो क्या के बचन कीता कि बख्श लो सतगुरु जी, सम्मान नाल सामने बिठाया अते नमस्कार कर मिठे बचन नाल गया, मैं पर कृपा करी तुम आए, तन पे हम दर्शन पाए, कौन काज मैं करी तुम्हारा, जिस ते सफले जन्म हमारा, हाथ जोड़ के दातु ने बेनती की, अपराधी मैं प्रभु तुम्हारा, होए कीट जब चरण प्रहारा, अति क्या कि उस वेले दीर्घ मेरी छाती दग्ध हो रही सी, दूजा कुसंगत मिल गई, इस करके मेरी मत बावी हो गई, इस करके मैं हुण अपने पुल बख्शाण आया हाँ, मैं शर्म दा मारा तुहाडे मत्थे नहीं लग सकिया, हुण कृपा करके बख्श दो। सुन के गुरु अमरदास जी बोले, सुन श्री अमरदास तब बोले, तू सतगुरु के पुत्र अडूने, मन तन कर मैं दास तुम्हारा, अब परलोक होए मम प्यारो का प्यारा, हुण गुरता गद्दी चौथे दांते रामदास जी नु दे दित्ती है, तुसी कृपा रखनी इन्हां दा पुत्र जतो गुरता गद्दी पा लवेगा तां समा आवेगा तुहाडे कोल पहुंचेगा, जदों अपने हत्थां नाल तुहाडे चरण स्पर्श करेगा, उस वेले तुहाडी पीड़ा हट जावेगी। जिस वाहिगुरु जी, जिस दिन सतगुरु जी शरीर त्यागा लगे, 1631 बिक्रमी संवत भादरो दी पूर्णमासी मुताबक 1 अक्टूबर 1578 ईस्वी सी, जैसा कि भाई साहब कहते लिखते हैं, संगत दे सह सतगुरु जी के सपुत्र आए, पोतरे आए ते अपनी अंतर संस्कार की तैयारी आप करके करवाई, उन्होंने ये कहा कि मेरे पीछे कोई सोग नहीं करना अते रुदन भी नहीं करना, एक है कि सतगुरु ने आपे कर दी जगह लिप पचवा के चंदन आदि सुगंधियां छिड़का के दिखिया, फुला दिया माला के किस्म के लटका दिया, सारिया सिख संगता नु आखिरी दर्शन दे के चिट्टा वस्त्र मुख के लिया तो शरीर का प्रत्याग कर दिता, आकाश च कई तरह के महान कौतक हुए, जिस वेले गुरु जी ने परलोक पयाना किया उस वेले सूरज का प्रकाश मध्यम पै गया, देवत्यां दे अनेकां विमान आकाश फिरते देखे, गोइंदवाल विच इस तरह को सुन के धन सतगुरु उचारते हैं, ब्यास दे पवित्र पानी विच गुरु साहिब दे शरीर का इशनान करवाया, इशनान कराने वाले गुरु रामदास जी, बाबा मोरी जी, बाबा बुढ़ा साहिब ते भाई बलू जी सन, उन्होंने इशनान करवाया ते मोढ़ियां ते बिपान उठाया, सुगंधी वाले फूलों की वर्खा होंगी गई, व्यासा दे किनारे की जगह बना के जिथे चंदन की चिखा बनाई हुई सी, सुगंधी वाले पदार्थ ओदे च पा के अते घ्यो आदि पा के मोहरे जी के हाथ तो गुरु जी की चिखा नू चंडा लगवाया गया, सतगुरां दे प्यारे सिख बैराग विच बैठे सन ते गुरु साहिब के गुणां नू याद कर करके विछोड़े दी कड़ियां लंघा रहे सन ते नाल कह रहे सन कि ऐसा प्रताप कदे नहीं देखा, जदों गुरु जी ज्योति नो समा के ता सिख संगता गुरु जी दे गुणा नु याद करके अथरू बहा रही सन ते कह रही सन, सतगुरु जी आप जी दे प्रताप नाल इस गोइंदवाल विच आप जी दे नाम दे प्रताप नाल 22 साल काल नहीं बढ़िया, वाहिगुरु दास नामी पाठक जो वाहिगुरु जी, गोइंदवाल विच एक छतराणी विधवा हुई औरत रह रही सी, उसका इको एक पुत्र सी जो बड़े कष्ट नाल उसे पाया सी, सिर ते पति ना होण करके पुत्र बड़ा प्यारा सी, एक दो दिन उसको बुखार आया ते मृत्यु नु प्राप्त हो गया, जदों इसका पुत्र मरिया उदो अद्धी रात का समा सी, पुत्र की मृत्यु होने ते इस बीबी ने बहुत उच्चे उच्चे विलाप करने शुरू कर दिते, हे पुत्र मैनू की ते आसर छड़ के गया है, तेरे पिता का सुख तो पहला ही मेरे कर्मा विच नहीं सी,
एक तेरे तो मेरी आसा सन, हे पुत्र मैं तेरे तो बिना जी नहीं सकी, मैनू आपे नाल ही ले चल, सिर नू पिटती हुई आपे वाल उठ के अत संकट पाड़ी से। जदों पहर रात रह गई अते गुरु अमरदास जी दे इशनान दा समा हो गया, तां गुरु जी जाग उठे, इशनान कीता, समाधिष्ट होने वास्ते बैठे। इतने नौ बीपी आपने मृतक पुत्र की देह उठवा के गुरुद्वारे लाई, उच्चे उच्चे रोना शुरू कर दिता। जदों ये रोण की आवाज सतगुरु के कोल पई तो आप जी ने सहन ना कर सके, हजूरी सेवक वालों बुला के कहा कि कौन विलाप कर रहा है, उसके कोल जाके धीरज दे के समझाओ कि अमृत वेला रोंदा नहीं सिमरन करांदा है। जेड़े सिख सिमरन के सुख जुड़े हैं उन्हां दी एकाग्रता भंग होती है। बलो सुन के उस माता को आया ते समझाया कि सतगुरु ने यह आज्ञा दी है कि दिन चढ़े तेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, पर मूल देवा सुख के माता ने तीरस ना तारी, बल्कि उच्च उच्च गुरु का नाम लेके पुकारा करने लगी। मैं आप जी के शरण हाँ, मेरी लाज रखो। सो गुरु सिर के वाल फुटे सी ते बलू ने आके गुरु जी ने कहा कि गुरु जी मैं बड़ा समझाया पर वो बोल तो नहीं हट गई, मरिया पुत्र धरती ते लिटाया होया ते वे के विलाप करेगा। सुन के गुरु जी बाहर आए, मृतक बच्चे को पहुंचे ते अपने मुबारक चरणों के सीने नु लगा के जिंदा कर दिता। पुत्र समेत गुरु के चरणों नु वार वार फेरते कि आपे घर नु चली गई, ते गुरु जी बलू दे सहित अपने निज स्थान ते आ गए ते बल्लू नु कहने लगे कि ये बात मेरे मरे जिंदे करने वाली चंगी नहीं, मैं इस तो उपराम हाँ। हुण तमराज नु ही कह दिंदे हाँ कि जिन्ना चिर मेरा शरीर है उन्ना चिर मैनु किसी नु जिंदा ना करना पाए, इसलिए तू सारिया नु जीवित ही रखना है। गुरु जी 22 साल गोइंदवाल विच रहे जिस ते किसी स्त्री पुरुष की जीतू नहीं हुई। भाई संतोख जी भी लिख रहे हैं कि गुप्ता गति से विराजमान होकर गुरु जी 22 साल गोइंदवाल थे जिस ते किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि तो काल के पैर तो रहत होके गोइंदवाल साहब वसन लगे। ऐसे परताव वाले सतगुरु जी गुरु अमरदास जी सन, यो जे गुण चेते करके संगता रो रही सन। ते सतगुरु जी तो कि सतगुरु जी तुहाडे जान तो पात हुण सानू काल तो कौन बचावेगा, हुण तुहाडे तो बाद गोइंदवाल च काल फेरी फेरी आउण लगेगा। कि सतगुरु जी तुसी धरती ते बैकुंठ तां वर्गी गोइंदवाल पूरी बनाई जिस ते उपमा पाठ कर रहे हैं, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर भी पास बनायो, चरण तप पर सकत चरण गुर अमर पवन रहे, हाथ ता पर सकत हाथ लगे गुर अमर पाए, जी ता पर सकत जी गुर अमर पणि जे, नैन तप पर सकत नैन गुर अमर सुखी जे, सवण तप पर सकत सवण गुर अमर सुनी जे, सख्यत सो गुरु चित ये बसे गुर अमरदास नि जगत पे, सख्यत सो सिर जालप पणे जो सिर निवे गुर अमर मित्र। श्री जालप पाठी कहते हैं कि हे भाई सोई सी सफल है जो श्री गुरु अमरदास साहब जी के चरण कमला उत्ते निता प्रति ही नियुंदे हैं, भाव यह है कि सतगुरां की सेवा अत ध्यान करके ही जीवन के सारे अंग सफल होंगे हैं, जिवें जालप पद ने उपरोक्त सोईए विच महिमा की है, इस तरह एक होर सोए विच महिमा की है, गुर अमरदास पद सिए उहे मुपातिक विनाश है, गुर अमरदास पद सिए सिद्ध साधिक आसास है, गुर अमरदास पद सिए ध्यान लइए पौ मुकहि, गुर अमरदास पद सिए अपो लपे गौ चुके, एक बिन दुकान जो तो रहे जा सुमंत्र मानवे लखे, जालपा पदार्थ करे गुर अमरदास डिठ है मैं। श्री जालप जी कहन की है भाई उपरोक्त फल उच्चारण किते हैं अथवा इतने बहुते पदार्थ गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन करना मिली प्राप्त होंगे हैं, जिस तरह जालप पाजे गुरु साहब जी उस्तत कीते इसी तरह कल नामे पंगु जी गुरु साहब जी दी उस्तत करते हुए इस तरह कहते हैं, कन हर बूंद बसोर मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे, रव संस्किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे,
रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के, कब जन पल उन्हें जो गावे, पले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बन आवे। हे पलिया दी कुल विच अवतार तारन हार श्री गुरु अमरदास साहब जी, तुहाडे गुण कहे नहीं जाते क्योंकि तुहाडे गुण बहुत बेअंत हन, इसलिए तुहाडी उपमा तुहानू ही पर आंदी है। पावे है कि अजे कोई वस्तु नहीं जिस उपमा तुहानू दईए, इस करके तुस ही उपमान अते आप ही उपमे स्वरूप हो। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। अज तन तन श्री गुरु अमरदास साहब जी दे 450 साल ज्योति सो ज्योति जोत गुरपुरब नू कोटान कोटान प्रणाम। वाहिगुरु जी, इन्नी ही सेवा प्रवान करनी, होइया भुला चुका गलतियां दी क्षमा देना जी संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।